बोले जरूर जा। गिरजा की जो सहेलियां रहे आरती उतारवे के लिए वहां से आगे बढ़ी। धीरे 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 भोले बाबा के ज्यादा नजदीक न पहुंची वो एक लड़की की नजर भगवान शंकर के शरीर पे पड़ी गई। और जैसी माने काले काले नाग और बिच्छू देखे, एक कदम आगे ना बढ़ाओ, एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पीछे को हटत चली गई। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ, आरती नहीं उतारनी है। बोले तुम उतारो, हमें तो उतारनी नहीं है। क्यों? बोले नहीं 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 नहीं, हमें नहीं उतारनी है। देखो ना पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे, हमें नागन से बहुत डर लगता है, मैं नहीं उतारूंगी। दूसरी लड़की बोली तू तो पागल है, बेनाग समझ रही जो खेतन भजत वितरा था, पालतू नाग है और पालतू नाग रिश्तेदार से थोरू बोलता है। वो बोली आरती तुम उतारो, जिन नाग है इन्हें ना मालूम रिश्तेदारी होत का, हम नहीं उतारे। और तो कौन आरती ना उतारे, आपस में बातें करती आ रही है, ये क्या किया, कहां गिरजा कहां भोले बाबा। अच्छा एक लड़की बोली शादी करवे से गिरजा को कुछ फायदा हुआ है क्या? बोले मैंने तो ये सुना है भोजन तो करते ही नहीं है, भांग धतूरा के नशे में ही पड़े रहते हैं, गिरजा को तो भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और क्या? बोले गिरजा को जल भरने कहीं जाना ही नहीं है, वो तो सर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और क्या? बोले कपड़े भी धोने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पहनते ही नहीं है। तुरंत ही मैना के नजदीक पहुंची और एक बात कही, मैया ये तुमने क्या किया? क्यों? अरे कहा गिरजा कहां भोले बाबा, पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे। जवाब दो मैया, उनके ऊपर तो बुढ़ापा है और शरीर की तरफ देखें तो जब मालूम पड़ रही, अगर ज्यादा से ज्यादा चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या डेढ़ महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो मैना रोई उठी, रोने लगी, कहा बुला दीजिए ऋषि नारद को, उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए हां भरी। नारद सामने पहुंच गए, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, काहे को बुलाया, बड़ी क्रोध में लगती। बोलिए अपनी बारात वापस ले जाओ। क्यों? हमें शादी नहीं करनी। अरे हुआ क्या, बात क्या है? मैं
वापस ले जाओ, शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, मैंने कह दिया। तो नारद कहने लगे, देखो तुम चाहे हजार बार कहो, सच बात तो यह है कि तुम्हारे कहने से हम ये बरात वापस नहीं ले जाएंगे। गिरजा केवल एक बार कह दे पर हम किसी को पूछेंगे भी नहीं, चले जाएंगे। और तुरंत ही मैना भागी, गिरजा के नजदीक पहुंची और एक बात की, देखी बेटी गिरजा मैं तुम्हारे भले की कह रही हूं। कहा तुम और कहा भोले बाबा, तुम सिर्फ एक बार मना कर दो बस, सिर्फ एक बार मना कर दो बस, बरात तो हम वापस कर देंगे। समझाने लगी बेटी, मानी मेरी बात कि ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी ओ किसने तेरी अरे मती है मारी तू काए को भाई बावरिया। गिरजा कैसे कटेगी उमरिया तेरी, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया। समझाने लगी, देखो कहां तुम और कहां भोले बाबा। कैसे कटेगी उम्र।